रायसेन जिले की मंडीदीप पूरी तरह जलमग्न हो गई। आपको बता दें कि चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है। लोटस पार्क के हाल बेहाल हुए हैं। कई मकानों के डूबने की सूचना आ रही थी। जब हमारी तहलका इंडिया टीम वहां पहुंची तो हालत बहुत बुरे थे। बिल्डर की लापरवाही देखने को मिली। तहलका इंडिया न्यूज से ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त मौजूद है रायसेन जिले की मंडीदीप के लोटस पार्क कॉलोनी में। आप यहां पर देख सकते हैं कि किस तरह यहां पर जल भराव की स्थिति बनी हुई है। यह सीधे तौर पे देखा जाता है कि बिल्डर की लापरवाही भी इसमें सामने आती है कि किसी भी प्रकार के सुरक्षा मुआयना यहां पर नहीं किए जाते हैं। हम यहां पर मौजूद कई लोग यहां पर साथ में खड़े हैं जो इस प्राकृतिक पूरी चर्चा करेंगे। क्या नाम है आपका? संजय जी। कहां रहते हैं आप इस कॉलोनी में? क्या स्थिति लग रही है यहाँ पे? क्या है ये? यहाँ पे बहुत तेज बहाव है और पानी बहुत तेज, मकान बहुत सारे। लगभग कितने घरों में पानी घुसा है? 80 मकानों में घुसा है। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? इस चीज में कोई नहीं है, हर साल का ये निरंतर है कि हर साल यहाँ बारिश आती है। इस चीज में अभी तक कोई विकास नहीं हुआ। नदी बिल्कुल नजदीक है। इस चीज में अभी तक नगर पालिका किसी चीज में ना सरकार ने इस चीज में अभी तक ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। नगर पालिका द्वारा अभी यहाँ पर बराबर अलाउंस करके यहाँ पे मकानों को अभी आया अलाउंस में के लिए रही है। आप देखिएगा नगर पालिका कितने बजे आई है, बाढ़ कब आएगी, नगर पालिका कब आई है देने के लिए, नगर पालिका कब आई है, बाढ़ कब आएगी, बाढ़ सुबह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजू है। कहाँ रहते हैं आप? लोटस पार्क कॉलोनी में मकान नंबर 3 से। कितना पानी आपकी कॉलोनी के अंदर? अभी हम लोगों के घर के अंदर तो कमर तक पानी आ चुका है। पूरा घर में भर गया, पूरा बेड पलंग गद्दा पलंग सब सामान टूट गया हमारा। कितने समय से आप वहाँ पे फंसे हो? मुझे पानी आपके घर में कितने बजे घुसा? अभी घुस गया। कितना कितना पानी अभी आपकी घर के अंदर? कितना कितना पानी है? हमारे घर के अंदर कमर से पानी आ गया। सामान भी कोई खराब हुआ उसमें? आपका सामान बेड बेड सब हमारा सब टूट गया गद्दा पलंग। तो अभी आप उसको छोड़ के आ रहे हैं? हाँ सब ऐसे छोड़ के आ गए। देख रहा हूँ आप अपने कैमरे को घुमा सकते हो। लोटस पार्क वार्ड नंबर 24 मंडी की कंडीशन क्या है? थोड़ा तेज बोलो। तो देख लो अभी लोगों के सामान भी बह रहा है नीचे के जो मकान है सूरे कम से कम 80 मकान डूबे हुए। कितने लोग रहते हैं इसका लोगों में? 500,000 लोग रहते हैं। क्या कुछ बच्चे वगैरह कुछ मकान में अभी क्या रहे हैं अंदर? यहाँ क्या रह रहे लोग उम्मीद कर रहे हैं कि पानी कम हो जाए, देखते हैं क्या पोजीशन में। और यदि ऐसे में पानी कम नहीं होता और पानी बढ़ता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। सिंगल से ऊपर पानी तक भरा जाएगा। थोड़ा और आगे चल सकते अगर प्रशासन को कुछ दिख रहा है तो आगे। यानी कहीं ना कहीं लापरवाही दिख रही है। अभी तक कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। अभी कॉलोनी आए क्या कॉलोनी के अंदर? कॉलोनी राइजर का कोई अभी पत्ते पत्ते नहीं यहाँ पे, ना इंजीनियर ना कोई भी नहीं, मैनेजर कोई भी यहाँ पर के अभी नहीं। कॉलोनी का कोई व्यक्ति यहाँ पे नहीं है? अभी कोई व्यक्ति नहीं है। वैसे निकनेम मेरा बिट्टू है, लोकेंद्र लिखा। लोकेंद्र जी अभी हम यहाँ पर लोटस पार्क कॉलोनी में काफी विकराल दिख रही है, क्या कहना है आपका इस बारे में? मेरा कहना तो ये है कि जैसे ही उजाला हुआ तो लगा हुआ बगल में गांव है 24 नंबर वार्ड में गज्जू पिपलिया, वहाँ के रहवासी और लोटस के रहवासी इन सब ने मिलके जो घर डूब में चल रहे थे उनकी काफ़ी सहायता की है। और अब JCB आ गई है, उससे दीवार तोड़वा दी गई है तो लगभग जल स्तर अब उतरने की कगार पर। ऐसा इसमें जो अतिवृष्टि हो रहा था इसके रहते जो हमारे ग्रामीण के बहन भाई हैं वो अचानक से पानी से घिरे हैं। तो उनकी जो रेस्क्यू बल है तुरंत यहाँ पर और SDRF के जो और भी यदि कोई ग्रामीण जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और ये रिपोर्ट रेडी करेंगे और
जिससे कि ये भीगे वो लोग और रात में उनको डॉक्टर बनाया जाएगा और उनको खाद्यान्न भी सर इस तरह की यदि और कोई परेशानी आती है तो कोई नंबर या कोई यहाँ पे अधिकारी किस में उनको मुहैया मिलेगी इसमें जो एक टोल फ्री नंबर 900 108 ये ऐसा नंबर है आप करेंगे तो वो घूमते घामते जानकारी हम तक पहुँचाएगी और स्थानीय जो पुलिस है वो स्तंभ है जहाँ पर आप जानकारी देंगे तो आपको निश्चित रूप से कोई के लिए पॉइंट मिलेगा और वो हमसे संपर्क करेंगे और हमारी पलक चपकते ही वो घटना अब जैसे कि लोग आए जैसे हमारे कंपनी कमांडर फिर कपिल पहुँचे और भी अधिकारी लोग आए बहुत ही बेहतरीन उन्होंने वो सोचा कि रात से बुधनी से सीधे यहाँ पहुँचे एक ऑपरेशन वो वहाँ से ये सीधे यहाँ चले आए और भी 8-7 लोग हैं टीमें हैं जो लगी हुई हैं लगभग 7-7 लोगों को इसी तरह के परिवेश में फंस गए थे और मवेशी जो हैं मेरा आग्रह लोगों से कि मवेशियों को चेन से रस्सी से ऐसे मौसम में ना बांधें अब वो पानी का पड़ रहा है और मवेशी चेन से बंधी हुई है तो उसको फिर बड़े बहुत मुश्किल से वहाँ पहुँच के उस चेन को खोला तोड़ा निकाला ये भी एक चीज़ है और कुछ लोग ऐसे हैं जो पिकनिक बनाने पहुँच गए हैं झरनों पर वो फंसे हैं तो इनसे नहीं करना चाहिए और सेल्फी ऐसे समय में स्टंट नहीं करना चाहिए इन सब चीज़ों को ध्यान यदि हम रखेंगे तो जान माल को हम बचा सकेंगे और खासकर जो बच्चे हैं उनको भी लाइफ जैकेट पहनाकर हम लोग